भाई साहब ये तो बहुत ही गहरी है। तो हमें पूरा पीस लेके जाने वाले हैं वहाँ से वहाँ तक। सर हमारे टेंट की लाइटें भी जल गई हैं। तो गाइस आँख देख सकते हो कितना बढ़िया जल गई हमारी। तो गाइस आज आ गए हम कैंपिंग करने मसूरी साइड, और यहाँ का व्यू देखो एक बार, पूरा जंगली जंगल है चारों तरफ। और ये हमारा सामान पड़ा है, अभी ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो दिख रहा है, वहाँ पे वहाँ लगाएंगे टेंट। और आज साथ में आया है कुलदीप, तो फटाफट से पैकिंग ऊपर ले जाते हैं अपने इतना सामान है, और टेंट पिच कर लेते हैं। अभी सूरज भी काफ़ी देर तक रहने वाला है, सनसेट का मज़ा भी मिल जाएगा आज, और उसके बाद फिर रात को बॉनफायर। तो चलते हैं अभी कैंपिंग करने ऊपर। तो गाइस अभी सामान ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे लोकेशन है हमारी जो हमने चूज करी है, तो वहीं जाके टेंट पिच करेंगे। तो भाई ये है जगह, और यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं टेंट। यहाँ से देहरादून का व्यू भी आता है रात को मस्त, और वो है जॉर्ज पीक। तो गाइस बाकी का सामान लेने आए थे, अभी फिर ऊपर जा रहे हैं। ये है गाइस लोकेशन, बढ़िया यहाँ लगाते हैं अभी। बट बनती और ये चलता था भाई, इनका चलता पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और नीचे रात को सामने टिमटिमाता हुआ देहरादून दिखेगा। तो गाइस टेंट बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम लकड़ियां लेके आते हैं, क्योंकि रात की सेफ्टी के लिए हमें लकड़ियां जरूरी होंगी आग जलाने के लिए। तो लकड़ी काटने के लिए पहले निकालते हैं अपना औजार। तो अब ये बनने जा रहा है लकड़हारा, मुझे तो लगता था भाई कृतिका, और ये निकाल दिया उसने अपनी आरी। चले लकड़ी काटने, चलो कुल्हाड़ी नहीं लाया, कुल्हाड़ी से शादी का तो बिल्कुल नहीं ध्यान है। चलो गाइस जंगल में लकड़ी काटने, हम दोनों साथ में थे उस एक टाइम पे हुई थी, तो मतलब होप और गाइस इसको कंडाली लग गई है, ये देखो दुनिया में से कोई है। Oh my God. तो गाइस ढूंढ रहे हैं अभी सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी, देखते हैं, इतनी चाहिए होगी जो रात भर जल जाए, यहाँ जंगल में ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तो ये पेड़ भी सूखा हुआ लग रहा है, बट गीली होंगी ये लकड़ियाँ, बस पत्ते जड़े होंगे। नीचे भी देख प्लेन है पूरा, मगर नीचे थोड़ा जंगली इलाका है यार, डर लग रहा है वहाँ कुछ मिलने जाए रात को। तो गाइस हम आज रात को बिल्कुल वाइल्ड कैंपिंग करने वाले हैं, और हम दोनों ही अकेले, बाकी और लोग हैं वो रात को रुकने वाले नहीं हैं, वो चले जाएंगे, वो वैसे ही घूमने आ रखे हैं। तो अभी लकड़ियाँ लेते हैं फटाफट, जिससे रात को कुछ प्रॉब्लम ना हो हमें, और हम जानवर वगैरह से भी सेफ रहेंगे। अभी तो ढूंढ रहे हैं जंगल में, वो वाला देख तो, हाँ मिल गया, सूखा पेड़, सूखा पेड़ है ये भी है, देखो एक मिनट तोड़ के, तोड़ के देखे एक बार, कच्चा है यार, कच्चा है। भाई जी सामने लकड़ी दिख रही है, देखते हैं, देखे गुफा मिली है मुझे, यहाँ गुफा है। ओह माय गॉड, भाई साहब ये तो बहुत ही गहरी है, यहाँ से हम सीधे देहरादून पहुँच सकते हैं। भाई इसको निकालना तो बेकार है, चले गए एक बार नीचे ना, भाई तू ही जा लकड़ी ढूंढ ले तू पहले। गाइस अभी यहाँ लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हमें, सारी गीली हैं, मिल जाएंगी वैसे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी। छोटी छोटी तो बहुत है, लेकिन बड़ी नहीं मिल रही हमें, कोई ऐसा मोटा सा मिल जाए ना कुंदा, जो रात भर जलता रहे। तो गाइस अभी आगे जंगल में हमें एक लकड़ी पड़ी हुई मिली है टूटी हुई, देखते हैं सूखी है या गीली है।
ये तो पूरा पेड़ है यार, है ना, सूखा है ना पक्का। हाँ यार, तो भाई स्कूल देव अभी फटाफट काट रहा है लकड़ी। भाई साहब अभी तो ये बहुत मजबूत है, तो हम ये पूरा पीस लेके जाने वाले हैं वहाँ से वहाँ तक का। पूरी रात भर आज आग जलेगी भाई। इस कैंपिंग आसान नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ती है पहले लकड़ी काटने के लिए। ये तूने भाई ये फट गया है पूरा। तो भाई ये इतना बड़ा कुंदा तोड़ लिया हमने यहाँ से, और चलते हैं अब लेके, थोड़ी बहुत छोटी छोटी उठा लेंगे लकड़ियाँ। देख सकते हैं दो जनों को उठाना पड़ रहा है, पीछे से कुल्ली ने पकड़ रखा है और आगे से मैंने। आज हम सिलेंडर ही जलाएंगे। तो गाइस आज हम अपनी गैस की बचत करेंगे, अपना खाना जो भी बनाना है इस पे ही करेंगे आज। इसे घर भी लेके चल लेंगे बच्चे का, तुम्हें सर्दी आने वाली है, घर में काम आएगा। नीचे रख नीचे रख, भारी हो रहा। तो गाइस आ गए अपनी लोकेशन पे और लकड़ियाँ रख दी, यहीं जलाएंगे। तो बस अब फटाफट टेंट पिच करते हैं, पहले सामान रखते हैं अंदर, फिर करते हैं जो करना है। भाई देखो हमें क्या मिला है, भोटिया कुत्ता। भोटिया कुत्ता पकड़ के ले आया, ये भी हमारे साथ कैंपिंग करेगा। किच्ची और किच्ची। इसको भी आज हम बॉनफायर कराएंगे अपने साथ किच्ची। और खाने को इसको भी मिलेगा, क्योंकि चिकन लाए हैं तो हड्डियाँ यही खाएगा। पीने को भी मिलेगा इसे, पीने का नहीं पता, पीने के लिए तो हम पानी लाए हैं और दूध, दूध भी देंगे इसे। चलो फिर फटाफट लगाते हैं टेंट। तो गाइस टेंट तो सेटअप हो गया हमारा, पिच कर दिया टेंट। और पीछे का व्यू देखो, सामने सनसेट होने वाला है, उसका टाइम लैप्स दिखाते हैं अभी आपको। तो गाइस टेंट पूरा सेटअप हो गया, सामान अंदर रख दिया है और अंदर रोशनी भी कर दिया, बल्ब जला दिया है, और अब फटाफट तैयारी कर रहे हैं आग जलाने की। पहले आग जलाते हैं भाई। आग जलाना स्टार्ट कर दिया हमने, बस जल्दी से जल जाए। और इधर हमारे टेंट की लाइटें भी जल गई हैं, पूरा मस्त लग रहा है डेकोरेट होके। और इधर पूरा मस्त व्यू, सामने सनसेट हो गया जो आपने देखा अभी टाइम लैप्स में, और नीचे भी लाइटें जलने लगी हैं। नीचे पूरी सिटी है देहरादून, अभी रात को पूरा जगमगाता हुआ दिखेगा। और ये विंटर लाइन देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जला जला सही से वो छाल नहीं जली। तो गाइस आंख देख सकते हो कितना बढ़िया जल गया हमारी। और बस अब फटाफट तैयारी करते हैं हम अपना चिकन बनाने की, और थोड़ा बारबेक्यू भी करेंगे, उसके लिए मैरिनेट करते हैं। तो ये सारा श्रेय जाता है कुलदीप को, इसने मेहनत करके आंख जलाई। मजा आ रहा भाई, कान ठंडे हो गए। अरे पीछे व्यू तो देख यार, क्या सेक्सी आ रहा है भाई साहब। ओ गाइस नीचे देखो पूरा जगमगा रहा है। तो गाइस फटाफट आँख तो जल गया, थोड़ा ठंडा वो हो गया, आँख सेक लो पहले। ओ भाई साहब पूरी जल गई है तो खतरनाक वाली। तो गाइस अभी आँख तो पूरी लग गया हमारी, अब चिकन मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, और बाकी ग्रेवी वाला भी बनाएंगे। तो गाइस पहले गन को वॉश कर रहे हैं हम, उसके बाद मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। क्या सो? तो गाइस वॉश हो गया हमारा चिकन अच्छे से। तो गाइस चिकन को मैरिनेट किया जा रहा है भाई साहब, आँच पूरी लग रही है इसकी, है ना। आग मैंने जलाई इतनी ज़बरदस्त है, फटाफट से मैरिनेट हो रहा है। तो गाइस अभी प्याज की छोटी छोटी क्यूब निकाल के डाल दें इसमें मैरिनेट में, ये भी बहुत टेस्टी लगेंगी मसाले के साथ जब भुन जाएंगी। तो गाइस हमारी चॉपिंग भी हो गई है ग्रेवी वाले चिकन के लिए, प्याज कट गए, अभी टमाटर रह रहे हैं, और ये इधर चिकन पड़ा है हमारा।
और मैरिनेट वाला अब थोड़ा बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी बारबेक्यू रेडी हो रहा है हमारा, मज़ा ही आ जाएगा आज खा के। देखिए सर लकड़ी में से तेल निकल रहा है भाई, ये चीड़ की है क्या? तो गाइस बारबेक्यू पूरा मस्त हो रहा है हमारा, बस बनने वाला है इन्हें थोड़ा और ज़्यादा। तो गाइस ये देख सकते हो हमारी आग और ये हमारा बारबेक्यू रेडी हो गया है, और अब चख के देखते हैं थोड़ा सा। भाई एक नंबर बना हुआ है, और ऐसे व्यू के साथ खाने का मजा ही कुछ और है बारबेक्यू अपने आप जला के। तो भाई साहब फटाफट से खा के फिनिश करते हैं, पानी भी थोड़ा गर्म करना है, ग्रेवी वाला भी बनाना है हमें। तो गाइस ग्रेवी वाला चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। तो आज गाइस सारा खाना हम अपना लकड़ियों पे ही पका रहे हैं, गैस यूज़ नहीं करी हमने क्योंकि यहाँ लकड़ी बहुत मिल गई हमें और बढ़िया जल रही है आग हमारी। तो यही है कैंपिंग का मज़ा, अपना रॉ मटेरियल से ही करो जो भी कर रहे हो, तभी मज़ा आया। और यहाँ हम एक पीक पे बैठे हुए हैं, यहाँ हमने टेंट लगाया हुआ है और ये जैकेट वगैरह यहाँ टांगी हुई है पेड़ के नीचे। तो अभी बस बनाते हैं फटाफट से। क्योंकि हमारे पास लकड़ी ख़त्म हो गई है, एक ही लकड़ी से चल रहा है काम। तो भाई जंगल में चूल्हा बना के बढ़िया से अपना चिकन फ्राई हो रहा है, ग्रेवी वाला चिकन बन रहा है, बस फटाफट से बनेगा और फिर खाते हैं। देखने में तो बड़ा लजीज सा लग रहा है। और इधर ये टेंट अपना अंदर ही बैठ के खाएंगे क्योंकि हवा चल रही है, बहुत ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन भी हो गया। तो आज तो यहीं पर इंजॉय कर रहे हैं हम। अगर आप आना चाहते हो ना तो बिल्कुल आ सकते हो यार, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कपल में भी आ सकते हो। नीचे यहाँ पे हमारे साइड में ना नीचे थोड़ा जंगल है, आगे जाके कपल्स ने भी लगा रखे हैं टेंट अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल आ सकते हो, बाकी यहाँ पे रेंट पे मिल जाते हैं टेंट अगर आपके पास नहीं है। और ये पता नहीं क्या लकड़ी में ढूंढ रहा है, तो खतरनाक है भाई बहुत। क्या है भाई? कान खजूरा। कहाँ है? देख इसे मार दे, हमारे कान में घुस सकता है रात को। मार दे। तो गाइज हमारा चिकन और चावल रेडी हो गया है, ये देखो यहाँ पे, और बस फिर बैठ के खाएंगे अंदर अपने टेंट में। आज का आशियाना हमारा ये बेडरूम। तो फिर नीचे भी कैंपिंग हो रही है काफ़ी, यहाँ पे 4-5 टेंट लगे हुए हैं नीचे भी। तो ये बिल्कुल सेफ जगह है, अगर आप कैंपिंग करने आ रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो ये बन रहा है, एक बार चिकन दिखा दो भाई। चिकन पूरा रेडी है भाई, चिकन बिल्कुल हमारा रेडी है, और ये चावल है, चावल तो अभी अभी अभी, अभी रखे हैं इसलिए अभी बने नहीं है। एक बार नज़ारे देखो यहाँ के, और नीचे का व्यू देखो एक बार, क्या मस्त व्यू आ रहा है। नीचे पूरी देहरादून सिटी दिख रही है जगमगाती हुई, ऐसा लग रहा है आसमान से तारे नीचे ही आ गए। और इस साइड ये चांद, और इधर ये हमारा चांद कुलदीप। तो गाइज हम लोग आ गए टेंट के अंदर क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है, और हमारा खाना रेडी हो गया, डिनर। ये हमारे राइस एकदम परफेक्ट कुक हो गए हैं, खड़े हो रखे, और ये हमारा चिकन बिल्कुल लजीज लग रहा है, अभी खाते हैं और प्लेट्स में डालते हैं। चलो भाई डाल ले पूरे, बासमती वाले बन रखे बिल्कुल, एक एक दाना अलग। गाइस पहले सूप डालते हैं, पीस खाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि हमने बारबेक्यू में ज़्यादा ही खा लिया। टेस्ट करके बता भाई कैसा बना है भाई। एक नंबर, मज़ा आ गया। तो भाई इस चिकन बिल्कुल एकदम परफेक्ट कुक हो रखा है हमारा, और राइस के साथ तो मज़ा ही लगा रहा है। तो गाइस बस अब खाना पीना हो गया हमारा, और बाहर अभी पानी गर्म कर रहे हैं आग पे थोड़ा, अभी अपना पिलो फुला लेते हैं। तो गाइस पिलो भी फूल के रेडी हो गया, अब बस सोते हैं फटाफट।
फटाफट से स्लीपिंग बैग खोल लेते हैं अपने। फट से हमने स्लीपिंग बैग भी खोल लिए क्योंकि इनके बिना यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है, और क्योंकि माइनस में टेम्परेचर हो गया यहाँ पे और हम हैं भी पीक पे माउंटेन की, तो जितना इतना टाइम बीतता जा रहा है और माइनस में जाता जा रहा है टेम्परेचर, तो बिना स्लीपिंग बैग के हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो गाइस गुड नाइट, अब हम घुस गए हैं स्लीपिंग बैग में अपना कोजी कोजी गरम गरम। मिलते हैं अब सुबह, बाद करते हैं, बाय बाय बाद में। अब ये तैयारी कर रहा है घुसने की, तो गाइस बाय बाय, सुबह बात करते हैं। ओके गाइस बाय, एक ब्यूटीफुल से नज़ारे के साथ सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। ए गाइस गुड मॉर्निंग, बाहर देख सकते हैं आप रोशनी हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं सुबह, तो काफ़ी रोशनी हो गई है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बाहर निकल के बाहर का नज़ारा। तो गाइस अभी हो गई सुबह और हम निकल चुके हैं टेंट से बाहर अपने, और अभी कुल्ली निकल रहा है और इधर से सनराइज़ भी हो गया है, और एक बार व्यू देखो यहाँ से। पूरा जंगल वाला इलाका है, रात हमने इसी पेड़ से सूखे हुए टहने काट के जलाए और अभी भी बची हुई है यहाँ पे। गाइस अभी मॉर्निंग चाय बना रहे हैं हम अपनी, लकड़ियाँ फिर से जल उठी, ये देखो पूरी रात जलते रहे, अभी भी सुबह भी इनमें से धुआं निकल रहा था, तो बस अभी चाय बन रही है हमारी और हम ले रहे हैं व्यू का एंजॉय। और यहाँ पे मुँह हाथ धोया जा रहा है गाइस, रात मज़ा आ गया यहाँ पे कैंपिंग करके, बारबेक्यू तो अलग ही लेवल का बना था हमारा, तो बस अभी चलते हैं, पैक हो गया है सामान सारा, ये देखो सारा सामान हमने पैक कर लिया है, बस ये चाय पी के निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में किसी दूसरी जगह पे अच्छी लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे जहाँ सेफ हो, आप लोग भी कर सकें आके, तो आपको गाइड करेंगे ऐसी ऐसी जगहों के लिए कैंपिंग के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।